McAfee Edge World. देखिए ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए सभी लोग को इस क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर. क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, बलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर वेज 100 kg, कैलकुलेट इट्स पेलोड इफ इट इज फिल्ड विद हीलियम एट 1 atm एंड 27 degrees Celsius. डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg/m³ एंड वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इज दिस. इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवेन है. तो पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें जानना चाहिए वो है व्हाट इज पेलोड. आप में से कोई जानता है पेलोड क्या होता है? नो सर. अच्छा चलो ठीक है. आपने आर्कमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा था 9th-10th में? आर्कमिडीज प्रिंसिपल कंफर्म करो भाई. पढ़ा था. बिल्कुल पढ़ा होगा, पढ़ाया जाता है फ्लूड में सबको, फिजिक्स में ये चीज पढ़ाई जाती है. व्हाट इज आर्कमिडीज प्रिंसिपल? तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल ने एक चीज बताई थी, बॉ एंड फोर्स. अपथ्रस्ट याद है? अपथ्रस्ट क्या होता है, बॉ एंड फोर्स क्या होता है? हाँ सर. दिस अपथ्रस्ट और बॉ एंड फोर्स इज एक्चुअली हियर नेम एज पेलोड. ठीक है, तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं. अगर हम आर्कमिडीज प्रिंसिपल के टर्म्स में बोलें, कोई भी चीज किसी भी वाटर में या लिक्विड में तभी फ्लोट कर सकती है जब वो अपने वेट के बराबर या उससे ज्यादा का वेट डिस्प्लेस, ज्यादा का वाटर का वेट डिस्प्लेस करे. यही तो था आर्कमिडीज का प्रिंसिपल, कि कोई भी चीज तभी फ्लोट कर सकती है किसी भी वाटर में कि जब वो डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होगा वो उस पर्सन के बॉडी वेट से ग्रेटर है, देन ओनली दैट पर्सन कैन फ्लोट. और इसी पर्पज में जब हम लोग फ्लोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो हम अपने हाथ और पैरों को एक डेफिनेट मेथड से मूव कराते हैं. उसका पर्पज क्या होता है, वाटर को रिमूव करना. और हम जितना वेट ऑफ वाटर रिमूव कर रहे हैं उस वाटर का वेट हमारे बॉडी वेट से बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए. यही थी कंडीशन आर्कमिडीज के प्रिंसिपल की? हाँ सर. चलिए अच्छा, अब देखिए ऐसे ही सेम होता है. अगर प्लेन लीजिए या बलून लीजिए, अगर एक प्लेन को हवा में ऊपर की तरफ फ्लो करना है और या आपको कह सकते हो कि बलून को फ्लोट करना है एयर में, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? उसके लिए भी वही कंडीशन है कि बलून अपने वेट से जितना ज्यादा एयर डिस्प्लेस कर सकता है, अपने वेट से जितने ज्यादा वेट का एयर डिस्प्लेस कर सकता है तभी वो फ्लोट कर पाएगा. तो वो कितना एयर डिस्प्लेस कर रहा है और उसका वेट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड पेलोड. यानी एक बलून कितना एडिशनल वेट लेके उड़ सकता है अलोंग विथ इटसेल्फ वेट, अपने खुद के वेट के अलावा वो और कितना एडिशनल वेट लेके हवा में उड़ सकता है, दैट थिंग इज कॉल्ड पेलोड. हर एक बलून की अपनी एक पेलोड कैपेसिटी होती है, हर एक प्लेन की अपनी एक पेलोड कैपेसिटी होती है. आपने देखा एक प्लेन में कितने पैसेंजर हैं, ठीक है? तो एक प्लेन जितने पैसेंजर को लेके ट्रेवल कर रहा है, मतलब उन सब का जो वेट होगा, दैट वेट इज कॉल्ड पेलोड. तो पेलोड आप समझ पा रहे हैं? किसी को पेलोड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, बोलिए भाई, डिस्कस करिए. अगर आप ये डिस्कस नहीं करोगे तो आप समझोगे नहीं. किसी को भी पेलोड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है? कोई भी डिवाइस सिस्टम जितना वेट कैरी कर सकती है फॉर फ्लोटिंग पर्पस, फ्लाइंग पर्पस, स्विमिंग पर्पस, दैट इज कॉल्ड पेलोड. ठीक है, तो पेलोड का हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे यहां पर, तो पेलोड का फॉर्मूला कैसा बनेगा आपका, राइट डाउन. पेलोड इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ
एयर डिस्प्लेस्ड माइनस टोटल वेट, या टोटल वेट की जगह मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वैसे ही लिख लेता हूं, वेट ऑफ बलून प्लस वेट ऑफ गैस, जो भी गैस उस बलून में फिल की गई है फ्लोट करने के लिए, इस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं पे लोड। तो अब आपको क्वेश्चन में पे लोड कैलकुलेट करना है, मतलब आपको क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस वेट ऑफ बलून एंड वेट ऑफ गैस, समझा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया है दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप दुनिया की कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे आप आईएससी की लीजिए, एनसीईआरटी लीजिए, स्टेट बोर्ड की बुक लीजिए, किसी भी बोर्ड की बुक लीजिए, हर एक जगह पर यही सेम क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। आज तक इसमें और कोई वेरिएशन अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन में, तो बस आपको अगर ये पेलोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी वेरिएशन आएगा आप आराम से अपने आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं चीजें कैलकुलेट करना। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वेट ऑफ बलून, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट ऑफ बलून, है ना, बलून का वेट दिया हुआ है। तो कितना है बलून का वेट, 100 किलोग्राम, आप इसको चाहो तो ग्राम में लिख सकते हैं, 10 × 10⁴ ग्राम, ठीक है, मेरे साथ साथ करते जाइए। फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज हम निकाल रहे हैं यहां पर, वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून, आपको पता है कि बलून का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, तो अगर उसका शेप स्फेरिकल है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, तो यहां पर बस आप वैल्यू रख दीजिए, 4/3, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और आर क्या होता है, रेडियस, आपको डायमीटर दिया है 20 मीटर, उसको उसका हाफ कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस, ठीक है, लेकिन वो मीटर में दिया है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहां पर 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर पूरे का क्यूब। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपको सिंप्लीफाई होके ऐसा मिलेगा, 4190 × 10⁶ cm³। सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा आएगा, 4190 × 10⁴ लीटर। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ बलून मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो गैस है हमें उसका वेट निकालना है, तो आपको पता है कि PV = nRT होता है, ठीक है। अब n को क्या लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिकुलर वेट एंड RT, तो यहां से हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ हीलियम गैस चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, PVm/RT। तो यहां से आपको क्वेश्चन में प्रेशर कितना दिया है, 1, वॉल्यूम आपने अभी निकाला है, जो बलून का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, 4190 × 10⁴, और हीलियम का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 4 होता है, और आर का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया है 0.082, टेम्परेचर 27°C है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वेट ऑफ गैस, तो इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वेट ऑफ गैस मिलेगा 68.13 × 10⁴ ग्राम, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में हमें वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस और निकालना है, तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकाला जाएगा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला, हमें डेंसिटी ऑफ किसका दिया हुआ है, हीलियम का, एयर का डेंसिटी दे दिया है, तो वी कैन यूज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना,
वी कैन यूज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब डेंसिटी क्वेश्चन में 1.2 तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब था. तो किलोग्राम को तुमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, ठीक है. और नीचे मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है भाई, बताओ. 1 meter cube equals 1000 उसको, liter. अगर आप चाहे तो हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लिख लेते हैं. चलिए, तो 1 meter cube है 10^6 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर 10^6 आ जाएगा नीचे. अच्छा, और वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया है 41 यहां पर यूनिट्स को सही से यूज करना होगा, 1 मिनट. हाँ ठीक है, 4190 और सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना था, 10^6. तो यहां से हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो ये हमें कितना मिल जाएगा, सिंप्लीफाई होके ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 502.8 इंटू 10^4 ग्राम. 502.8 इंटू 10^4 ग्राम, ठीक है. अब हमें देखिए सब कुछ मिल चुका है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, वेट ऑफ हीलियम गैस, वेट ऑफ बलून, ठीक है. अब बस आपको पेलोड के फॉर्मूले में उठाकर सब कुछ रख देना है. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, पेलोड, पेलोड कितना हो जाता है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है भाई, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस 502.8 × 10^4 माइनस हमें वहां पर वेट ऑफ हीलियम गैस दिया हुआ है कितना, 68.13 × 10^4 प्लस वेट ऑफ बलून कितना दे दिया है, 10 × 10^4. अब आप इस पूरे को 10^4 कॉमन ले लीजिए, पूरे को सॉल्व करिए तो ये आपको मिलेगा 424.5 × 10^4 ग्राम. यानी इतना वेट लेकर बलून, इतना वेट बलून कैरी कर सकता है, इतना वेट बलून कैरी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पे लोड. तो किसी को भी इस पे लोड के कॉन्सेप्ट में अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई कुछ कंफ्यूजन है किसी के पास, पूछिए. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन. क्वेश्चन काफी ऑब्वियस है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं. ये रहा आपका क्वेश्चन, पहले 1 मिनट आप लोग ट्राई करो, फॉर 1 मिनट. बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, सिर्फ भैरवी, निर्मित और वैष्णवी ने दिया, अदिति, नमन, कुशाग्र, अर्जुन, तुम लोगों के एटलीस्ट आंसर तो आप बोल के बता सकते हो कि आपका क्या आया है. और जिसको नहीं समझ में आया तो ये बताओ कि मुझे एक्सप्लेन करो. सर मुझे समझा नहीं है.
आपको मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म बताया था, अगर याद हो आपने वहां पर, कि टू या फिर मोर देन टू कंटेनर को एक मासलेस क्यूब से अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो उन सब के लिए रिलेशन क्या होता है, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल्स पी टू वी टू अपॉन टी टू इक्वल्स टू पी वी अपॉन टी। अब जो चीज कांस्टेंट हो उसको फॉर्मूले में से गायब कर दीजिए। तो अब यहां पर देखिए क्या चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा यहां पर, सिर्फ पी वन वी वन पी टू वी टू इक्वल्स टू पी वी, वेयर वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू। अब आपको क्वेश्चन में देखो टू बल्ब ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर 10 लीटर वी वन और वी टू दिया हुआ है और उनके लिए पी वन और पी टू दिए हुए हैं। यहां पर वैल्यू रख दीजिए और V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो आप यहां से P निकाल सकते हैं, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है 7 ATM। समझा? हाँ सर। चलिए, तो मुझे अपने साइड से आपको ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने थे। बाकी आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4, 5 ये सब भी है, उनको आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए। आप लोगों ने किया था सॉल्व सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 और 5? हाँ सर, उसमें डाउट भी है। हाँ बताओ उसमें कहाँ पर डाउट है, एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने डाउट्स जो भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस 4 और 5 में है शेयर करिए। सबको आगे सारे सेल्फ प्रैक्टिस 4 में 5 और 6 ये तो मोल कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 एंड SO2 गैस प्रेजेंट इन दिस वर्ड। ये क्वेश्चन तो यार मोल कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्या बताऊं तुम्हें, तो मोल कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन है तुम्हारा। 4 और 5 की 5 और 6 देखिए 5, मैं इसको फटाफट कर दे रहा हूं। पहले तो मैं 5 कर रहा हूँ, 5 वाले में देखो कि आपको CH4 और SO2 गैस प्रेजेंट, सबके वॉल्यूम दिए, वॉल्यूम से मोल निकालो। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 1.12 डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ये आ गया तुम्हारा मोल। कितना आया यहाँ से सॉल्व करके देखो इसको, 1/20। अब आपको क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल है तुम्हारा 1/20 इंटू NA। ऐसे ही सेकेंड वाले को करोगे तो वो आ जाएगा 2.24 डिवाइड बाई 20.4। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/10 और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, जो मोल कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ SO2 गैस एट STP, उसमें से इतने मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए गए, कैलकुलेट द मास ऑफ द रिमेनिंग गैस। ठीक है, तो हमें मास बताना है और हमें दीवे क्या दिया है, वॉल्यूम में से इतने मॉलिक्यूल रिमूव किए गए। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले अच्छा रहता है कि आप यहां पर या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सबको मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल से बाद में सब सॉल्व कर लेना। तो SO2 का 5.6 लीटर SO2, 5.6 लीटर SO2 के जो मोल आएंगे वो कितना आएगा, 5.6 बाई 22.4 दैट इज 1/4 मोल। और दूसरा दिया हुआ है 6.02 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10। ठीक है, तो अब आपको यहां पर सही किया मैंने, ये 6.0 आर रिमूव, 1/10 आएगा, सॉरी 1/10।
तो इसको आप लिख सकते हो 0.25 और इसको आप लिख सकते हैं 0.10। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि इसमें से इसको रिमूव किया गया है, तो किसमें से किसको, रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने बचे, रिमेनिंग मोल, रिमेनिंग मोल, टोटल मोल थे 0.25, उसमें से 0.10 सबट्रैक्ट किया तो 0.15 आ जाएगा, ये रिमेनिंग मोल आ गए। अब हमें इसी मोल से क्या निकालना है, मास। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल है 0.15 और मॉलिक्यूलर वेट है हमारा यहाँ पर SO2 का कितना होता है, 64। इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझा। हाँ सर, और क्वेश्चन 8 इसी सेम में क्वेश्चन सर थोड़ा ऊपर कर दो ना। नंबर 8, व्हाट मास ऑफ NaCl वुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ आयंस ऑफ MgCl2, यही वाला निर्मित। हाँ सर, देखो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, 245 ग्राम ऑफ MgCl2 है, ठीक है, इसमें पहले आप नंबर ऑफ आयन निकाल लो। तो इसका नंबर ऑफ आयन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 245 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24, Cl का हो गया 71, 35.5 इंटू 271 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड किया तो 415 एंड 729, 95। तो ये आपके पास टोटल आएगा इसका मोल। अब इसको जरा डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये 95 सर से इसको टू पॉइंट डिवाइड फाइव करो, सेवन कितना आया, 1.2.5 टू पॉइंट फाइव टू आया, पॉइंट फाइव सेवन 57, ठीक है, मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवन पहले निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा आपका 2.57 इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखो इसके एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है, 1 Mg और 2 Cl, टोटल 3 आयन है। वन मॉलिक्यूल हैज 3 आयन्स, ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल कितना रखेंगे, 2.57। Na मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी आयन्स, 3 × 2.57 Na, हमें मिल गए क्या, टोटल नंबर ऑफ आयंस मिल गए, ठीक है। अब यही जो आयंस हैं ये किसके बराबर है, यही सेम आयन किसके है, नंबर ऑफ आयंस इन NaCl। अब आपको नंबर ऑफ आयंस मिल गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पर NaCl के नंबर ऑफ आयंस आए हैं, तो नंबर ऑफ आयन से आपको मास ऑफ NaCl चाहिए। तो एक NaCl में, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि 2 आयन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, 2 आयन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो टोटल आयन्स कितने हैं तुम्हारे पास, 3 × 2.57 इंटू Na आयन्स प्रेजेंट होंगे कितने मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पर 3 × 2.57 Na डिवाइड बाई 2, इतने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे टोटल। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट द मोल। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो Na और Na कट जाएगा, ये आपको मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मास। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। sp5 का क्वेश्चन 14, 5 में जाना है अब हमें, 5 में क्वेश्चन नंबर बोलो फिर से एक बार, 13,
13 इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ किया था, इस तरह का काफी कुछ सिमिलर था इसी जैसा। ए ग्लास बल्ब ऑफ वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अनदर बल्ब ऑफ वॉल्यूम दिस, एक है ये 400 सीसी और दूसरा है ये 200 सीसी बाय मीन अ ट्यूब ऑफ नेग्लेजिबल वॉल्यूम। द बल्ब कंटेन्स ड्राई एयर एंड आर बोथ एट कॉमन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ दिस। इनिशियली इनका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी इनिशियली आपको 1 atm दिया है। फिर कह रहा है कि जो लार्जर बल्ब है उसको 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में इमर्स किया गया। लार्जर बल्ब ये वाला है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में रखा गया। द स्मॉलर इन मेल्टिंग आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस फाइंड द फाइनल कॉमन प्रेशर। तो कल हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन किया था। हमको न्यू पी न्यू बताना है। अगर आपको लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके पास जाइए, उसको फॉलो करिए। ये वाला क्वेश्चन हमने जो किया था, हमें ये पी न्यू निकालने को बोला जा रहा है। इनिशियल कंडीशन है यहां पर, तो देखो हमें वॉल्यूम दे दिया है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, मोल नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन से हम पहले गैस के मोल निकालेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे और उससे हम लोग गैस के मोल निकालेंगे। और एक बार गैस के मोल आ जाएंगे फिर उससे नई कंडीशन में फिर हम लोग यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी अलग अलग टेम्परेचर की और उसमें रिस्पेक्टिव हमको मोल फाइंड करने पड़ेंगे अलग अलग, एन वन और एन टू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन नोट करिए, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस are mixed with each other, then total pressure of mixture, is sum of the partial pressure of each gas. नोट डाउन, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये लॉ के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये लॉ कब वेरी है, वर्क करता है व्हेन नॉन रिएक्टिंग, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर देन टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो लेट अस सपोज एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें 3 डिफरेंट गैसेस हमने ली हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 3 डिफरेंट गैसेस हैं ए बी और सी और तीनों नॉन रिएक्टिंग है, उनको आपस में मिक्स किया गया है। ठीक है, तो उस वक्त यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा, गैस का टोटल प्रेशर
टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को मैंने सिंबल दिया है पीटी, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ दी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को मैं स्मॉल पी से लिख रहा हूं, स्मॉल पी ऑफ ए प्लस स्मॉल पी ऑफ बी प्लस स्मॉल पी ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल पी क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल पी इंडिकेट्स पार्शियल प्रेशर, स्मॉल पी इंडिकेट्स पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी गैस का, जैसे अगर एक मिक्सचर है ए बी सी का, तो ए के पार्टिकल जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे वहां पर, ए के पार्टिकल की वजह से जो भी प्रेशर आया होगा, ए के पार्टिकल की वजह से जो भी प्रेशर आया होगा उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता था, मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हाँ सर, नोट कर लीजिए पूरा ये सब। चलिए अच्छा, अब इस डाल्टन्स लॉ में एक खास चीज होती है, क्या खास चीज होती है, कि जनरली जो गैसें होती हैं वो हमेशा लिक्विड के ऊपर सरफेस पे कलेक्ट की जाती हैं। कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है इनको, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऐसे कंटेनर है, यहाँ पर लिक्विड फिल है, लिक्विड जनरली वाटर ही होता है, लिक्विड जनरली क्या होता है आपका, वाटर ही रहता है लिक्विड। और यहां पर क्या होता है, गैस कलेक्ट होती है, तो गैस का आपको एक ऑब्जर्व्ड प्रेशर आता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ गैस, ऑब्जर्व्ड प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। एक्वस टेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करते समय ये चाहिए होता है ड्राई गैस का प्रेशर, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर रिमूव कर दोगे, तो यू विल गेट द ड्राई प्रेशर, समझा। बोलिए, कर लेंगे सर, फिर से बोलना मैं क्या बोला था। मैंने बोला कि जब भी गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, हमेशा लिक्विड के सरफेस पे कलेक्ट करते हैं, तो लिक्विड के सरफेस पर दो चीजें होती है, एक तो गैस है प्लस ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड भी थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस वेपर की वजह से वहां पर एक और प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्वस टेंशन ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो यहां पर जो भी गैस है, उस गैस का ऑब्जर्व जो टोटल प्रेशर होगा, वो उस गैस के प्रेशर प्लस वाटर के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा, और हमें हमेशा ये चाहिए होता है ड्राई गैस यानी गैस का प्रेशर। तो गैस का प्रेशर कितना होगा, जितना प्रेशर आपको ऑब्जर्व हुआ है माइनस वाटर का वेपर प्रेशर, तो वो आपको मिल जाएगा ड्राई गैस का प्रेशर, और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब इसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक एक करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक तो पहले बिल्कुल सिंपल सा है, कोई खास इसमें नहीं है, आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अ गैसियस मिक्सचर contains
55% N2, 20% O2 and 25% CO2 by mass. At a total pressure of 760 millimeter, calculate total pressure of each gas. Total pressure of each gas. ठीक है. Calculate total pressure of each gas. करिए. ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको करिए. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे. चलिए ये तीन क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए. डन सर. ठीक है, तो मैं इनके आंसर पहले मुझे बताओ, किसी को मुझे कोई क्वेश्चन करके दिखाना है, नहीं तो फिर मैं सीधे आंसर बताऊं. हाँ सर, मुझे नहीं आया. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो दिया है, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 50% N2, 20% O2 एंड 25% CO2 बाय मास. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल मिक्सचर 100 ग्राम है तो उसमें 55 ग्राम N2 है, 20 ग्राम O2 है और 25 ग्राम CO2
CO2 है, ठीक है, तो इफ टोटल मिक्सचर इज 100 ग्राम, जब भी परसेंटेज में होता है तो हम लोग उसको 100 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो तुमको यहां से N2 का मास कितना मिल गया, 55 ग्राम, O2 20 ग्राम, NCO2 25 ग्राम, तो हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 कितना होगा 55/28, फिर हम निकालेंगे मोल ऑफ O2, वो कितना आएगा मास अपॉन मॉलिकुलर मास, दैट इज 32, फिर हम निकालेंगे मोल ऑफ CO2, वो कितना आएगा मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तीनों के मोल्स आ गए, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबके अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए, तीनों के एक बार आपको मोल्स आ गए, अब सबके अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाल लो, पहले ये सॉल्व कर लो, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.96, ये वाला अप्रोक्सीमेटली आता है 0.625, और ये वाला आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 0.568, तो अब हमें क्या निकालना है, सबके अलग अलग मोल फ्रैक्शन यानी पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं एक का पार्शियल प्रेशर आपको निकाल के दिखाता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल, N2 के मोल कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में देखिए जरा, N2 के मोल है कितने 1.964, और टोटल मोल कितना है, इन तीनों को ऐड कर दो, 1, 2 और ये 3, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को जब ऐड किया तो टोटल मोल आता है 3.157, ये आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में दिया है 760, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 472.8 मिलीमीटर, ऐसे ही तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालो, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालो, मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं इन सबके, सॉल्विंग वाला पार्ट तुम लोग खुद करना, ये आता है 150.46 और लास्ट वाले का आएगा 136.74, सर यहाँ पे आपने 180 mm क्यों नहीं रखा, 760 mm क्यों रखा? अगर तुम ATM रखोगे तो आंसर तुम्हें ATM में मिलेगा, अगर तुम मिलीमीटर रखोगे आंसर मिलीमीटर में रहेगा, तो क्वेश्चन में जिस यूनिट में वैल्यू आती है आंसर हमेशा हमको उसी यूनिट में करना चाहिए, और जब हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग मिलीमीटर को ATM में कन्वर्ट कर लेते थे, वहां पर कंपल्सरी ये करना, बट चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर किसी का आया, मुझे मेरे पास अभी तक फर्स्ट वाला भैरवी ने भेजा था मुझे, सेकेंड वाला भैरवी ने भेजा है करेक्ट है, और थर्ड वाला आंसर है, थर्ड वाले का आंसर एक मिनट में आंसर चेक कर लूं जरा, थर्ड वाले में आंसर आते हैं, हाँ करेक्ट है भैरवी तुम्हारे, ऑल करेक्ट, परफेक्ट, एग्जैक्टली मैच्ड, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर इनसाइड शोन बाय द गैस इज 740 मिलीमीटर, व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू द ऑक्सीजन अलोन इफ वेपर प्रेशर ऑफ दिस, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टोटल गैस का जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो ड्राई गैस के प्रेशर और वेपर प्रेशर के बराबर होता है, आपने अभी देखा था मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, P observed is equals to होता है P dry plus P of water, ठीक है, अब आपको P observed क्वेश्चन में दिया हुआ है 740, P dry दिया हुआ है, नहीं सॉरी P dry आपको निकालने को बोला गया है, और वाटर का वेपर प्रेशर दिया है 18, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ड्राई गैस का प्रेशर यानी गैस का एलोन प्रेशर, तो वो आ जाएगा 740 में से 18 माइनस कर दीजिए तो 722 मिलीमीटर, और ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि एक बार आप वो ड्राई गैस और ऑब्जर्व गैस के क्वेश्चन को समझ पाओ,
थर्ड वाला सिर्फ एक बच्चे ने आंसर शेयर किया, बाकी लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है बताइए तो मैं फिर सॉल्व करूं। बोलो भाई आएगा या मैं करके दिखाऊं? सर आ गया। मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूं, आंसर आप कहीं पर अच्छे से नोट कर लीजिए। आंसर है इसका तीनों के मैं जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में बता रहा हूं। पहले N2 का बता रहा हूं, N2 का है 3.003 ATM, दूसरे वाले का 5.004 ATM और लास्ट वाले का 62.053 ATM। तो आप अपने अपने आंसर मैच करिए, क्या आंसर आपका इसी के आसपास आ रहा है? हाँ सर। चलिए तो ये हमारा, अब हम लोग आते हैं इस गैस लॉ के लास्ट लॉ की तरफ। लास्ट लॉ हेडिंग डालिए ग्राहम्स लॉ ऑफ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो इस लॉ को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज इफ्यूजन। कोई मुझे डिफाइन करे व्हाट इज डिफ्यूजन? क्लास 8, 9, 10th में सेवरल टाइम आपके सामने ये आ चुका है डिफ्यूजन वर्ड और इफ्यूजन वर्ड। आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते थे, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन तो एटलीस्ट आपने जरूर सुन रखा है। सीबीएसई वालों ने 9th में पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग में, और आईसीएसई वालों ने तो 8th में भी पढ़ा 9th में भी पढ़ा है, दो दो बार पढ़ा है। बताइए भाई व्हाट इज डिफ्यूजन? What is diffusion? चलिए इसका मतलब याद नहीं है किसी को भी, write down. Diffusion is intermixing of two or more gases at same pressure and temperature. Intermixing of two or more gases. At same pressure and temperature. ठीक है, जब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा गैसें जब एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, उसी को आप बोलते हैं डिफ्यूज होना। जैसे आपने रूम के कॉर्नर से आपने अपना डीओ स्प्रे अगर वहां से किया तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे जो पर्सन होंगे उनके पास उसकी स्मेल आ जाती है। इसका मतलब एयर और जो स्प्रे है वो आपस में मिक्स हुआ और वही वहां तक ट्रेवल करके गया हुआ है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ डिफ्यूजन है ये। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन थ्रू अ फाइन होल, होल और ऑरिफिस बोल सकते हैं इसको हम लोग, पोरस, पोर्स बोल सकते हैं। डिफ्यूजन थ्रू अ फाइन होल और ऑरिफिस। अगर आपकी जो गैस है वो अगर किसी बहुत फाइन से होल से डिफ्यूज हो रही है तो उसी डिफ्यूजन को ही हम लोग इफ्यूजन बोल देते हैं। तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट, इफ्यूजन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ डिफ्यूजन। चलिए अब आते हैं ग्राम्स लॉ का स्टेटमेंट। ग्राम्स लॉ ने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सेम
प्रेशर एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और डेंसिटी ऑफ गैस, ये है आपका ग्राहम्स लॉ का स्टेटमेंट. एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ गैस. ठीक है, तो यहां पर आप रेट को कैसे लिखेंगे, रेट को आपने लिखा स्मॉल आर से. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, ये है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, तो अब इसी को मैथमेटिकली रेट को, रेट मतलब स्पीड, ऑफ डिफ्यूजन. तो रेट को मैंने आर से डिनोट किया है और मॉलिक्यूलर वेट को मैंने लिखा है कैपिटल एम से. ठीक है, ऐसे ही मैंने डेंसिटी को यहां पर लिखा हुआ है बी से. आप रो से भी लिख सकते हैं, बुक्स में कभी कभी आप अपनी बुक्स देखेंगे, हो सकता है वहां पर रो से लिखा हो. तो रो में भी डेंसिटी को हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं और डी से भी. डी से क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन ये आता है, डी फॉर डिस्टेंस भी हो जाता है, इसीलिए रो वाला सिंबल यूज कर लिया जाता है. चलिए, तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कोई भी रैंडम कॉन्स्टेंट हमने लगाया के. ठीक है, अब हमें पता है कि दो अलग अलग गैसेस हैं, एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन आर वन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो एम वन, और उसकी डेंसिटी जो है गैस की वो क्या है, डी वन है. एक दूसरी गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर टू है और उसका मॉलिक्यूलर वेट एम टू है और उसकी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, डी टू होगी. ठीक है, मैंने इन दोनों के रेट का रेशियो निकाला, दोनों के ही रेट का रेशियो फाइंड किया, तो वो क्या मिला, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम टू अपॉन एम वन और स्क्वायर रूट ऑफ डी टू अपॉन डी वन. आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा यहां पर. ये है आपका वो फॉर्मूला जिसको आप यूज करोगे फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ग्राम्स ने हमें ये रिलेशन दिया था. ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास ग्राम्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं. ये तो मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड टर्म में लिख के दिखाया है, जो आपको स्कूल में डेफिनेशन लिखनी होती है, स्कूल में जो फॉर्मूला शो करना होता है वो ये है. बट क्वेश्चन इनके साथ साथ ये रेट के वेरिएशन पर भी आते हैं. रेट आपको मैंने बताया कि रेट क्या होता है, रेट इज, अगर आप रेट को देखें तो रेट क्या है, रेट इज स्पीड, ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन. अब जब गैस डिफ्यूज होती है तो वो जो डिफ्यूजन है उसको आप कई तरीके से मेजर करते हैं. अगर कोई पार्टिकल है वैसे तो उसके लिए हमारे पास सिंपल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई जितना टाइम लगा है उसको, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में. ठीक है, लेकिन जो गैस है, गैस का हम डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में भी मेजर करते हैं, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ गैस वहां पर डिफ्यूज हुआ. तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय जितना टाइम लगा उसको, उतने वॉल्यूम को डिफ्यूज करने में. या फिर हम लोग गैस को मोल के टर्म्स में भी डिफ्यूज करते हैं,
मोल डिवाइड बाई जितना टाइम लगा उतने पर्टिकुलर मोल को डिफ्यूज करने में, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट को रिप्रेजेंट करने के इतने पॉसिबल तरीके हो गए। तो अगर मैं इन सब को यूज करूं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्टेंस को मैंने यहां पर यहीं पे लिख देता हूं, मैं अलग से लिखने में अननेसेसरी क्यों इतने ज्यादा सारे स्टेप्स लिखे। डिस्टेंस को मैं एस और टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूं, वॉल्यूम को वी और टाइम को टी से, मोल को स्मॉल एन और टाइम को टी से मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहां पर आपको लिखूंगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू हो सकता है, आर वन इज वॉट एस वन अपॉन टी वन, एस वन अपॉन टी वन, और आर टू क्या हो गया एस टू अपॉन टी टू। अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो वी वन अपॉन टी वन डिवाइड बाई वी टू अपॉन टी टू, और अगर हम मोल के टर्म्स में लिखें तो मोल अपॉन टी वन डिवाइड बाई एन टू अपॉन टी टू। और आगे जो आपका मॉलिक्यूलर वेट वाला रिलेशन था वो सब वैसे का वैसा ही है, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सब कब हो रहा था, जब सेम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन थी तब हमारे पास ये फॉर्मूलाज बन के आए थे जिनको आप यूज करेंगे। अब आपको हो सकता है कि इसको और इसको इक्वेट करना पड़े, हो सकता है इसको और इसको इक्वेट करना पड़े, हो सकता है इसको और इसको इक्वेट करना पड़े, किसी दो को आपको इक्वेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन ये सब आपने कब किया है, व्हेन प्रेशर इज, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, प्रेशर अभी कांस्टेंट नहीं रह गया, इफ प्रेशर इज वेरिएबल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्या हुआ सर, नोट करना है वो ऊपर का। हाँ अभी मैं कंप्लीट कर लूं फिर एक साथ में आप पूरा नोट करना। If pressure is variable and temperature is constant, आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कल इसके questions करेंगे। If pressure is variable and temperature is constant, तो हम लोग यहां पर हमारे पास जो relation आएगा, relation will be R is directly proportional to the P by square root of M or P by square root of density. ठीक है, यानी प्रेशर का टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इसको R1 R2 के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। ये कब है, जब व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही वेरिएबल, अब दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, तब देखिए हमारा रिलेशन कैसे मॉडिफाई होता है। तो उस केस में हमें जो रिलेशन मिलता है वो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी एम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डेंसिटी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो फिर यहां से आप रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 T2 upon M1 T1 equals to P1 upon P2 square root of D2 T2 upon D1 T1। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे,
आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है. एन इवेक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी, व्हेन 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.98 ग्राम पर एमएल एंड 50.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद अ आइडियल गैस एट 760 मिलीमीटर एट 300 केल्विन. डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस. ट्राई करिए, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था. ट्राई करिए. दो मिनट ट्राई करिए और मुझे सिर्फ आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन समझे या नहीं. या जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है देन वेट फॉर 2 मिनट, और अगर कुछ आइडिया लग रहा है देन रफली कुछ भी ट्राई करिए, बट कुछ करिए इसको. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है बट छोटा सा एक लॉजिक लगना है, अगर आपके दिमाग में वो लॉजिक क्लिक कर गया तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे. ये ट्राई. सेकेंड क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट वाला एक बार ट्राई हो जाए तो सेकेंड वाले की तरफ जाइए. वेरी गुड, एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी लोग भी ट्राई करें. हाँ बोलो निर्मित, क्या कह रहे हो? वैष्णवी तुम्हारा भी करेक्ट है, बिल्कुल सही, गुड, शाबाश. एक बार आपको लॉजिक अगर एक बार दिमाग में क्लिक कर गया ना तो फिर ये बहुत आसान है, लेकिन अगर वो लॉजिक आपको नहीं चपका तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. चलो ठीक है, देखिए जिसको आ गया गुड, नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इश्यू हो रहा है. कम टू द पॉइंट, देखिए आपको क्वेश्चन जब भी करने को आता है ना तो आपको क्या फाइंड करना है, मॉलिक्युलर वेट ऑफ गैस. तो जब आप मॉलिक्युलर वेट ऑफ गैस फाइंड करने जाते हैं तो आपके सामने हमेशा एक ही इक्वेशन आती है गैस के लिए जो आप यूज करोगे, दैट इज योर गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी. अब जरा इसमें वैल्यू रखना शुरू करिए तो आपको देखिए कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी मिसिंग है. प्रेशर आपके पास है, उसको आप एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए. टेम्परेचर आपके पास है 300 केल्विन. आर का वैल्यू आपके पास है, आपको यहां पर क्या नहीं दिया है, मोल और वॉल्यूम. मोल से ही आपको यहाँ पे मॉलिक्युलर वेट मिलेगा, ठीक है. तो आपको यहाँ पर दो चीजें चाहिए, एक तो वेट ऑफ गैस, आप मोल को ऐसा लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्युलर वेट. आपको वेट ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस, दो चीजें अभी भी फाइंड करनी है. इन दो चीजों को फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टू इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है. तो आपको एक खाली ग्लास वेसल जो था उसका वेट दिया है 50 ग्राम, ठीक है. और जब वो एक लिक्विड के साथ फिल है तो लिक्विड का के साथ उसका वेट कितना हो गया है, 148 ग्राम. तो आप मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ लिक्विड. लिक्विड का वेट क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस फ्लास्क का वेट है 148, उसमें से हमने फ्लास्क को माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा, 98 ग्राम. ये क्या मिला हमें, वेट ऑफ लिक्विड. अब हमारे पास देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और आपके पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. मास ऑफ लिक्विड है 98 और डेंसिटी आपको दिया है 0.98. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, 100 ml. और आपको पता है जो एक लिक्विड का वॉल्यूम है, लिक्विड किस में फिल किया गया था, फ्लास्क में. तो जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वही फ्लास्क का भी वॉल्यूम हो जाएगा. तो देखिए हमको यहां से वॉल्यूम मिल गया तो हमारा ये वी पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि गैस किस में फिल किया गया है, फ्लास्क में. और जो फ्लास्क का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होगा, वही लिक्विड का वॉल्यूम होगा. हमें वी मिल गया यहां से, ठीक है. अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, अभी भी वेट ऑफ गैस हमें चाहिए. फिर से वापस आपके पास खाली ग्लास का, खाली फ्लास्क का आपको वॉल्यूम मास दिया है 50 ग्राम और गैस प्लस फ्लास्क का मास दिया है 50.5 ग्राम. तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ गैस.
कितना आ जाएगा भाई 50.5 माइनस 50, तो यहां से आपको कितना आया 0.5 ग्राम। अब देखिए आपको जो जो चाहिए था वो सब मिल गया, अब बस क्वेश्चन में जाइए, इक्वेशन में रख दीजिए। प्रेशर कितना हो जाएगा 760 डिवाइड बाई 760, वॉल्यूम आपने अभी निकाला है 100 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 0.1, और वेट आपने अभी निकाला है 0.5, मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है, आर का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 300। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 123, आंसर आएगा 123। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ आपको जो फाइंड करना है उसकी इक्वेशन लिखिए, आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चीज और चाहिए, उसी के लिए इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दिया हुआ था, आपको बस उसमें से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके निकालना है। चलिए एनीवे सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए, किसी का आया द बेस्ट वैक्यूम सो फॉर अटेंड इन अ लेबोरेटरी इज 10^-10 mm ऑफ मर्करी, यानी प्रेशर दे दिया है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ गैस रिमेन पर सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम दे दिया है पर सेंटीमीटर, मतलब 1 cm³। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए अगेन आपको बस वही फॉर्मूला यूज करना है, PV equals to nRT. First of all, find n. n will be equals to PV upon RT. Pressure कितना दिया हुआ है आपको 10^-10 mm, उसको आप ATM में कन्वर्ट कर लीजिए, 10^-10 / 760। किसी बच्चे ने सेंड किया है आंसर, एक मिनट देखूं जरा करेक्ट है या इनकरेक्ट। भैरवी बिल्कुल परफेक्टली राइट है तुम्हारा, गुड। वॉल्यूम आपको दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml, 1 ml मतलब 1/1000, यानी 10^-3 L, डिवाइड बाई आर का वैल्यू आपको पता है 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, 273 + 20 कितना होता है 293 केल्विन। अब आप यहां से सॉल्व करिए और मोल को निकालिए। चलिए तो मैं आपको ये मोल आ गया, अब मैं आगे आपको बता देता हूं कि आगे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है मोल इज इक्वल मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल आपने यहां पे फाइंड किया, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, द फाइनल आंसर विल बी 3.29 इनटू 10^6 मॉलिक्यूल, 3.29 इंटू 10^6 मॉलिक्यूल, दिस विल बी योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। चलो भाई एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, उसका मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा आपको, सोल्यूशन भी बताऊंगा तो ओरल बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। राइट डाउन इक्वल वेट ऑफ CH4 एंड O2 आर मिक्स्ड इन एन empty container, of 1 L, at 27 degree Celsius. Calculate fraction of total pressure exerted by O2. Fraction of total pressure exerted by O2 and total pressure if weight of gases
आर 32 ग्राम ईच। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, ट्राई करिए। ट्राई करने की भी लिमिट है भाई, आपको सोना नहीं है क्वेश्चन के साथ में, 2 से 3 मिनट का ही समय मिलना चाहिए ट्राई करने के लिए। आज आपको मैं एक रिवार्ड क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन अगर आपने किया तो देयर विल बी सम रिवार्ड, देखना है कि कौन कर पाता है, बट वो क्वेश्चन अभी नहीं, पहले थोड़ा सा आपको तैयार कर दे टॉपिक के लिए, फिर वो रिवार्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट पार्ट के लिए वेट्स ऑफ गैसेस आर अननोन राइट? यस ओके, बट उसमें उन्होंने दिया है कि वो अननोन जरूर है लेकिन वो दोनों इक्वल वेट है, इतनी इंफॉर्मेशन से हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। चलिए इनफ टाइम, किसी का भी आंसर नहीं आया। सर पहला वाला आया है और सेकंड वाला ऑलमोस्ट आने वाला है। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ क्या है? सर 1/3 एंड 2/3। हाँ मेरा भी 1/3। तुम्हें सिर्फ O2 का बताना है, तो O2 का फ्रैक्शन 1/3 है, 2/3 तो CH4 का फ्रैक्शन होगा। हाँ सर 1/3 आया। फर्स्ट वाले का आंसर है 1/3 और सेकंड वाले में टोटल प्रेशर बताना है, टोटल प्रेशर आएगा 73.8। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए जिसका ये वाला क्वेश्चन हो गया उनके लिए दूसरा क्वेश्चन है। एट STP 8 लीटर H2 एंड 6 लीटर क्लोरीन आर मिक्स्ड, एंड एक्सप्लोडेड। And exploded. What will be composition of resulting mixture by volume? By volume and number of moles of gas left behind चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं हेल्प करता हूं, मे बी शायद। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10th क्लास में आईएससी वालों ने, आईसीएससी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, एक लॉ पढ़ाया गया था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ने बोला था कि एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इक्वल मोल्स ऑफ गैस। तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। बस हमें यहां पर वही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट द केमिकल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखिए, H2 गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस 2HCl, ठीक है। यहां पर ये गैस है, ये गैस है और ये
लिक्विड होता है। करेक्ट है तुम्हारा, वेरी परफेक्टली राइट, गुड, शाबाश। चलिए तो रिएक्शन में वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन, वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने के पहले इसका कितना वॉल्यूम था 8 लीटर और इसका कितना है 6, और रिएक्शन के पहले तो ये 0 ही था। फिर वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, आप यहां पे वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करिए। तो यहां पर आप इसको आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, कंडीशन लिख लो एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम हैज इक्वल मोल्स, मतलब आप वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्लोरीन, यहां पर इसके 6 मोल, इसके 6 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो इसके 6 मोल से रिएक्ट करेंगे इसके में से 6, और यहां पे प्रोड्यूस कितना होगा 2 × 6, तो फाइनली ये कितना हुआ 2 लीटर, ये 0 हो जाएगा और ये 12 लीटर हो गया। तो आफ्टर रिएक्शन आपके पास देखिए यहाँ पर ये 2 लीटर बचा है, ये 12 लीटर, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट का, कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर बाय वॉल्यूम, तो वहां पर आपको दिखेगा H2 आपको 2 लीटर है एंड HCl आपके पास 12 लीटर हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो HCl और H2 में गैस कौन है, H2 गैस है, तो हमें H2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट कितना लेफ्ट हुआ है 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट 2 लीटर एट STP, है ना, इतना बचा हुआ है, हमें क्या निकालना है मोल्स, तो आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है PV/RT। अब क्वेश्चन में देखिए आपको STP दिया है, STP का मतलब प्रेशर कितना हो गया 1 atm, वॉल्यूम आपका ऊपर लिखा हुआ है 2, और R का वैल्यू आपको पता है 0.0821, और टेम्परेचर STP पे कितना होता है 273 केल्विन। इस पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट मोल्स 0.0892, दिस विल बी योर आंसर, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक पे ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो अभी क्वेश्चन आपने किया है और जो अभी मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये दोनों JEE में आया हुआ है, तो ये गैसीय स्टेट के क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो आजकल एक्चुअली JEE क्या कर रहा है, वो एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को प्रेफर करता है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हो, इसीलिए आपको मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बार बार अलग अलग तरीके से शो करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। अब 40 ml, 40 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 वॉज प्लेस्ड इन अ गैस ब्यूरेट at 18 degree Celsius and 1 atm pressure. A spark was applied, so that the formation of water was complete. Formation of water was complete.
द रिमेनिंग प्योर गैस हैड अ वॉल्यूम ऑफ 10 ml एट 18 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एंड 1 atm प्रेशर. इफ रिमेनिंग गैस वॉज हाइड्रोजन what was the initial percentage of H2 in mixture? क्वेश्चन देखिए, देखने में काफी बड़ा सा है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, बट आप जब इसको पढ़ के इसमें से कंक्लूजन निकालोगे ना, तो 2 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाता है ये. बस इक्वेशन सही से लिखिएगा. 1 मिनट का टाइम है आपके पास इसको ट्राई करने का, थिंक करिए, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन अगर आप ये थिंक करोगे तो उससे आपको काफी फायदा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी. दूसरा, आपको ऐसे क्वेश्चन को आपने अपने आप सॉल्व किया जिसके बारे में बहुत लेस इंफॉर्मेशन है. आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसमें गैलुसेक लॉ जो होता है यानी एवोगैड्रो लॉ, वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए नहीं होता, वो सिर्फ किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है. तो बस यही एक पॉइंट इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, अगर आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया मतलब आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लो. हेल्प करता हूँ आपकी. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 ml है, एक मिक्सचर है H2 और O2 का, इनको एक गैस ब्यूरेट में रखा गया है 18 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर, और स्पार्क से उसको वाटर में कन्वर्ट किया गया है. ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द केमिकल इक्वेशन, H2 + O2, ये रिएक्ट किया और इसने क्या बनाया, H2O. इसको बैलेंस करिए, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O. यहाँ पर H2 गैस है, O2 गैस है एंड वाटर लिक्विड है. अब यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, गैलुसेक लॉ. ठीक है, लेकिन हम वॉल्यूम के टर्म्स में अप्लाई करेंगे. आपको ध्यान रखना है, फिर से वही चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखा था, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम हैव इक्वल मोल्स ऑफ गैस. यानी आप मोल को, वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट करेंगे लेकिन लिखेंगे वॉल्यूम. तो वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन क्या है, वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन. तो रिएक्शन के पहले तो हमें नहीं पता कि कौन कितना है, हमने अज्यूम कर लिया ये ए लीटर है और ये वाला यहाँ पर बी है, ml, सॉरी क्वेश्चन में डेटा ml में दिया है तो हम ml में लिखेंगे. ए ml है और ये बी ml है, और इनिशियली इट वॉज 0. फिर वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, यहां पर आपको क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. क्वेश्चन ने आपको बताया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है. A spark was applied so that formation of water was complete. The remaining pure gas had a volume of 10 ml and at this temperature and pressure, if remaining gas is H2, तो अगर remaining gas H2 है, इसका मतलब H2 excess में था, इसका मतलब limiting कौन हो गया, oxygen become limiting. तो जो limiting होता है वो तो पूरा का पूरा consume हो जाएगा. तो B में से B अगर होगा तो बताओ ए में से कितना डिसोसिएट होगा, 2b, और यहां पर बनेगा कितना, 0. क्यों, क्योंकि ये हमने क्या लगाया है, ये हमने लगाया है गैलुसेक लॉ, और गैलुसेक लॉ लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं लगता, इसीलिए हमने यहां पर एक लाइन खींच दिया, मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हियर. तो यहां से आपने क्या देखा कि रिएक्शन मिक्सचर में बी आपका पूरा खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन आपको इतना बनेगा. अब कंडीशंस पे जाते हैं. इनिशियली देयर वाज 40 ml ऑफ मिक्सचर, तो इनिशियली a plus b कितना था, 40 ml, है ना. और बाद में क्या बचा है आपके पास, ये 0 है, इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ क्या बचा हुआ है लास्ट में, a minus 2b, और दैट इज हाउ मच, 10 ml.
तो अब आप यहाँ से ए और बी का वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं, काफी ऑब्वियस है, एक प्लस टू आ जाएगा, टेन प्लस टू भी यहाँ पर रख दीजिए, टेन प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फोर्टी, थ्री बी इज इक्वल टू थर्टी, बी इक्वल टू टेन। तो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग आपको b मिल जाएगा 10 ml, और b अगर मिल गया उसको यहाँ पर रख दीजिए, आपको a मिल जाएगा हाउ मच 30 ml। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या फाइंड करना है आपको, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मिक्सचर। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, मिक्सचर में कितना हाइड्रोजन अभी यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए 30 ml आपके पास इनिशियली था इनिशियल मिक्सचर में, और टोटल आपके पास मिक्सचर कितना है 40 × 100। तो 30/40 × 100 इसको सॉल्व करो तो ये आता है 3/4, दैट इज 75%। ये था क्वेश्चन, ये जेई 79 में आया था, काफी पहले का क्वेश्चन है, बट आज भी काफी फ्रेश है। आप देख सकते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक से स्टिक होना है, और लॉज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो गैलुसेक लॉ वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं या एवोगैड्रो लॉ ऑफ वॉल्यूम आप यूज करते हैं, उसको बहुत केयरफुली यूज करना है। चलिए, तो मैंने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और एवोगैड्रो लॉ के काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए, बाकी तो आपको अब बुकलेट से मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इतने क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा दिए हैं कि आपको अभी बुकलेट में क्वेश्चन उतना परेशान नहीं करेगा जितना नॉर्मली आपको लग सकता था क्वेश्चन डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए अब मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ी सी एवोगैड्रो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी इसकी ग्राम्स लॉ की प्रैक्टिस। अभी हमने ग्राम्स लॉ के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए थे, ग्राम्स लॉ के फॉर्मूले आपने अपने पास लिख रखे है ना, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए फिर क्वेश्चन करिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप ग्राम्स लॉ के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, राइट डाउन, रिवाइज द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन of gas B as compared to that of diatomic gas A. is 6.5. find molecular weight of gas B if atomic weight of A is 36. चलिए एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यहां पर क्या करना है। देखिए यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, जब आपको कुछ भी उसके बारे में नहीं बोल रहा है मतलब वो कांस्टेंट है। तो एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर हम आर ए और आर बी लिखते हैं, आर ए इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए एंड आर बी इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, तो ये मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। ठीक है, अब क्वेश्चन के पास जाते हैं, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन ने हमें दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज 6.5 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, ऐसा हमें दिया है। ठीक है, एक तो ये चीज हमें दी हुई है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ ए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। आप यहां पर देखिए गैस जो है वो डायएटॉमिक है, डायएटॉमिक का मतलब होता है कि जो गैस ए है उसमें दो एटम है, जैसे कि H2 N2 O2, तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, टू टाइम्स
एटॉमिक वेट ऑफ ए, और ए का एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया और आपको ये कितना मिल गया है 72। अब बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो आर ए अपॉन आर बी कितना आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी कितना आ जाएगा 1/6.5, यहाँ पर रख दीजिए 1/6.5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमें एम बी फाइंड करने को बोला गया है और एम ए हमने अभी निकाला है, दैट इज 72। अब आप इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर आपको आएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ बी विल बी 1.7 विच इज वेरी स्मॉल। एक बार आप सॉल्व करके आंसर तक जाइए, जरा देखिए आंसर, ये मुझे पता नहीं आंसर सही है या नहीं, एक बार चेक करते हैं इसको जरा। करेक्ट है, ठीक है, मुझे काफी छोटा आंसर लगा तो मुझे डाउट हुआ कि पता नहीं ये कैलकुलेशन एरर तो नहीं है इसमें कहीं, तो आपने देखा काफी ऑब्वियस रहता है। सबसे अच्छी बात होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले क्वेश्चन में कि आपको बस फॉर्मूला सही से रखना है और क्वेश्चन में से वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, अब कैलकुलेशन खाली आपके लिए एक पार्ट वहां पर रह जाता है। चलिए तो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको मैं एक एक करके देता जाता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। इतने क्वेश्चन मैं इसीलिए करा रहा हूं कि आपको बुकलेट में मिनिमम डाउट पूछने पड़े, जितने मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रहा है मैं सारे आपको कोशिश कर रहा हूं कि क्लास में ही करवा के भेजूं, तो आप लोग क्लास के नोट्स और सॉल्व एग्जांपल जितने हम लोग कर रहे हैं ये सब आपके रिवीजन में होने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत डाउट पूछने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 dm³ ऑफ SO2 diffuses through a porous partition in 60 seconds. What volume be O2 will diffuse under similar condition? In 30 seconds. चलिए ये तो काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जैसे ही वैल्यू रखोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। आई स्ट्रेट ग्लास ट्यूब हैज टू इनलेट्स, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन आया आपको फर्स्ट वाला? हाँ सर। कितना आंसर आया इसका सर? एक मिनट सर, √200 14.14। हाँ दिस इज करेक्ट, 14.14 इज करेक्ट, इसका आंसर है 14.14। ओके, मैं अभी एक और क्वेश्चन लिख रहा था तब तक में एक कॉल आ गया, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। स्ट्रेट ग्लास क्यूब हैज टू इनलेट्स एक्स एंड वाई
एट द टू एंड्स at the two ends of 200 centimeter long tube. HCl gas through inlet X and ammonia gas through inlet Y. Inlet Y are allowed to enter in the tube. At the same temperature and pressure. White fume first appear at point P inside the tube. Calculate distance of P from X. चलिए ट्राई करिए. कोई ऐसा है जिसको फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा? कोई ऐसा है जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है आप में? बताइए भाई, मुझे आंसर करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि सिर्फ सलूशन आपको आंसर की चाहिए? बोलिए सर. आंसर की ठीक है. इस वाले का आंसर की है 81.1 सेंटीमीटर. सेकंड वाले का आंसर सॉल्व किया किसी ने? मुझे इनमें से कोई क्वेश्चन करके दिखाना है आपको. सर फर्स्ट वाला करके दिखाना. कौन सा करके दिखाऊं? ये वाला स्ट्रेट ग्लास ट्यूब वाला? हाँ. देखो उसमें एक सिंपल सी चीज है कि ये बोला गया है कि एक ग्लास ट्यूब है, ऐसे एक ग्लास ट्यूब बना लो. एक तुमने एक्स एंड है और एक ये वाई एंड है, ठीक. और इसमें मिडिल में कोई पॉइंट आपका है पी, इसको पी बोला गया है. आपको एक्स से उसकी डिस्टेंस बतानी है, इसको आप एज्यूम कर लो समथिंग स्मॉल एक्स. तो ये क्या बन जाएगा आपका 200 माइनस एक्स, ठीक है. तो अब बस आपको क्या फॉर्मूला लगाना है. आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था S1 अपॉन T1 डिवाइड बाय S2 अपॉन T2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. S1 और S2 डिस्टेंस था, T1 T2 टाइम था. लेकिन यहाँ पे टाइम तो दोनों के लिए सेम दिया गया है ना? सेम टाइम, ओ सॉरी, मैंने सेम टाइम की जगह पे टेम्परेचर लिख दिया है. सेम टाइम की जगह पर मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, वो मिस्टेक हो गई. तो अभी यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे. S1 और S2 क्या है आपका? S1 है ये डिस्टेंस, कितना है ये 200 माइनस एक्स. S2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? S1 मैंने किसके लिए लिया है? S1 हमने लिया हुआ है यहाँ पर
NH3 के लिए, S1 NH3 को माना है मैंने, ठीक है। तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, समथिंग एक्स, और इक्वल्स टाइम तो दोनों में सेम है तो टाइम तो कट जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर M2 हो गया 36.5 HCl एंड ये 17। यहां से आप स्क्वायर करिए दोनों साइड का, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x आपको इतना आएगा 81.1, समझा। सेकंड वाले का आंसर है 64 मिनट, इसका आंसर है सेकंड वाले का 64 मिनट। आया 64 आया आपका कि नहीं आया? सर 96 आ रहा है। तो फिर कैसे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर 50 वॉल्यूम ऑफ H2 है, 20 मिनट लग रहा है, दूसरे वाले को 40 वॉल्यूम है और उसका टाइम पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो V1 मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा है, तो हाइड्रोजन का हो गया 50 और टाइम कितना है उसमें 20, फिर यहाँ पर इसके लिए ऑक्सीजन के लिए 40, टाइम ऊपर चला जाएगा, उसको मैंने T ले लिया, इक्वल्स टू M2, M2 कौन है ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, तो ये तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो आएगा 4 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 50, तो ये कितना हुआ, कुछ तो छूट गया क्या, 50 वॉल्यूम 50 था ना, देखो जरा वैल्यू पे मैंने 50 गलत तो नहीं लिख लिया, हाँ सही, तो 320/5 आएगा ना, 320/5 कितना होगा, ही आएगा, करेक्ट है, सही है 64 आ रहा है। चलिए तो ये मैंने आपको कराया क्वेश्चन सिर्फ सीधे सीधे डिफ्यूजन वाले, चलिए कुछ क्वेश्चन अलग जगह से और उठाते हैं। काफी सेम है वो क्वेश्चन, चलो फिर भी करते हैं, सिमिलर है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, वो भी उसके साथ ही दोनों पर आते हैं। ये वाला मुझे बताना पड़ेगा आपको, बट ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है ये वाला, ये भी सॉल्व करना है आपको। चलिए करिए,
अब बस इसके बाद मुझे आपको सिर्फ दो क्वेश्चन और कराने हैं, तो मेरा ग्राम्स लॉ का प्रैक्टिस मेरे साइड से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको घर से करना है बस दो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है, आंसर x इक्वल्स टू 4 आएगा। चेक करिए आपका यही आंसर आया है। यस सर। ओके ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन। ये आपको आएगा या मैं करूं, क्योंकि टाइम हम लोग क्यों वेस्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है इसमें कैसे किया जाए, तो फिर मैं एक्सप्लेन ही कर दूं पहले। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन डिस्कस करते हैं। ये सॉल्व किया हुआ है मेरे पास यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने में क्या चीज है, आपको पहले प्योर ऑक्सीजन दिया हुआ है यहाँ पर, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा आपको दिया है ऑक्सीजन और एक अननोन गैस का मिक्सचर है। तो यहाँ पर एक डिफ्यूजन ऑक्सीजन का है R1, और R2 है ऑक्सीजन और एक दूसरी गैस का मिक्सचर। तो जो दूसरी गैस है उसमें दूसरे मिक्सचर में 80% ऑक्सीजन है, तो 20% क्या हो गई, अननोन गैस हो गई। तो वहां से हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला। याद करो हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला देखा था, m1n1 + m2n2 / n1 + n2। तो यहाँ पर m1 हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू उसका परसेंटेज प्लस m2 हो गया अननोन गैस और n हो गया उसका परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। इससे हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। अच्छा अब हम यहाँ पे डिफ्यूजन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो r ऑफ O2 डिवाइड बाय r ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय m ऑफ O2। तो हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में VO2 बाय t मिक्सचर, v मिक्सचर बाय t मिक्सचर, ये आपका इस तरह से दिखाई पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन में शुरू में ही उसने बोला हुआ है, सिमिलर कंडीशन है, टाइम आपको वॉल्यूम्स दोनों में सेम रखा है, तो वी कट जाएगा और टाइम उसमें 234 और 224 दिया है। एम मिक्सचर यहां से निकालिए, एक बार एम मिक्सचर आ जाएगा उसको यहां पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, और वहां से एम मिक्सचर स्मॉल एम निकालिए, तो स्मॉल एम आपको फाइनली मिलेगा इतना 46.6। दिस विल बी योर आंसर। चलिए इसके बाद अब हम लोग करते हैं एक प्राइस क्वेश्चन। कम टू अ प्राइस क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में पहले आपको मैं एक हिंट दे दूं, क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, 2 से 3 लाइंस में मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, बट आपको क्वेश्चन को समझना है एंड आंसर करना है। अ 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन इज कंटेन्ड इन अ वेसल एट 20 bar प्रेशर। Due to a hole in the vessel, the gaseous mixture leaks out. What is the composition of the mixture? Effusing out initially.
चलिए इनफ टाइम, नहीं आया आपको आंसर इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आर एक 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन, हीलियम और मीथेन का 4:1 के मोल रेशियो में उनको रखा गया है, और वहां पर मिक्सचर का टोटल प्रेशर है 20 बार प्रेशर, और एक वहां पे होल करने के बाद गैस लीक कर दी गई है, तो वहां पर जो गैस लीक कर रही है यानी मतलब इफ्यूज हो रही है, तो ड्यूरिंग इफ्यूजन वहां पर उन दोनों का क्या मोल रेशियो है यानी किस मोल रेशियो में वो डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखिए ये अप्लाई करना था, हमने आपको बताया था कि N1 अपॉन T1 डिवाइड बाई N2 अपॉन T2, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि टोटल बार 20 बार प्रेशर है टोटल, तो इसका मतलब इन दोनों के मोल रेशियो अलग है तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर भी अलग अलग होंगे, यानी सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर भी वेरिएबल है, स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए T1, T2, N1, N2, P1, P2, M2, M1। अब क्वेश्चन में देखिए टाइम के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है, तो जब टाइम के बारे में कोई बात नहीं किया गया इसका मतलब एट सेम टाइम ये सारा कुछ हो रहा है, तो T1 एंड T2 इज सेम, पहली पहली चीज। अच्छा दूसरा, अब यहां पर मोल रेशियो क्या है, मोल का रेशियो, ये जो मोल रेशियो है ना ये डिफ्यूज होने के पहले का मोल रेशियो है, और ये जो N1 N2 रेशियो दिख रहा है ये है इफ्यूज होने के बाद का रेशियो, और आपसे जब वो इफ्यूज हो रहा है ना उस वक्त का रेशियो पूछ रहा है, कंटेनर के अंदर का रेशियो नहीं पूछ रहा है, इसी में ही आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये है आपका 4:1, 4 किसका है, हीलियम का, और CH4 का कितना है 1, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल बाय टोटल मोल, हीलियम का मोल है 4 और टोटल मोल है 5, ऐसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकाल सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 1/5, हमें देखो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब आपको क्या चाहिए, दोनों के इंडिपेंडेंट पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो यहां पर टोटल प्रेशर कितना दिया है 20 और मोल फ्रैक्शन आपका कितना आया है 4/5, तो यहां से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल सकते हैं, इट विल बी 16, ऐसे ही आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, दैट इज हाउ मच 20 × 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ गया, तो ये आपके आ गए P1 और P2 के वैल्यू। अब उठाकर बस यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू P1 P2 की जगह आप क्या रखेंगे 16 और 4, और M2 क्या हो गया, मीथेन, मीथेन का होता है 16 और हीलियम का होता है 4, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल गिव्स यू 8:1। ये JEE में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है और कितनी हमको अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, यही क्वेश्चन का जादू है खाली, बस इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी है लेकिन हमें उस बहुत थोड़ी में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यही इस क्वेश्चन में एक चीज है जो आपको ट्रबल देता है।